तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों सुजलन शेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्राडे के अंदर दोस्तों ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इसका राइट इश्यू करने का, अप्लाई करने का लास्ट डे था, तो वैसा तो वो हो गया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने आप लोगों को 1 मंथ के अंदर, अगर आप 5 डे में देखोगे तो कम से कम 40 से 50% तक का रिटर्न दे रखा है। अभी हम देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या फिर कुछ डेज़ के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ साथ कंपनी आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर से लगातार गिरावट में ही थी। कंपनी 40-50% तक क्रैश हो चुकी थी। अभी इतना बढ़ भी गई दोस्तों, ज़्यादा खास नहीं बढ़ी है, फिर भी दोस्तों 40-50% तक का रिटर्न कंपनी ने आप लोगों को शॉर्ट टर्म में दे दिया है। अभी मेन हम देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है इसके बाद। तो ये कंपनी जो है वैसे आप लोगों को फर्स्ट डे में 20% तक का रिटर्न दिया, और यहाँ पर अगर हम न्यूज़ देखें तो कंपनी की जो न्यूज़ बताती है वो सिर्फ इतना कहती है कि भाई ये राइट इशू के क्लोज़र की वजह से यहाँ पर कुछ बिग डील्स देखने के लिए मिली है, कुछ बिग बिड्स देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। और 90% तक का दोस्तों कंपनी यहाँ पर सब्सक्राइब हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक 20% से ऊपर गया है। और बाकी एक न्यूज़ हम लोगों को कल देखने के लिए मिली थी कि भाई सुजलन एनर्जी में अदानी ग्रीन का यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स वगैरह देखने के लिए मिला था, 48 मेगावाट का ऑर्डर देखने के लिए मिला था अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से, जिसकी वजह से दोस्तों स्टॉक जो है 5% तक बढ़ा भी था। और सेम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें कवर कर रखी है कि भाई अदानी के ग्रुप से ऑर्डर मिलने के बाद रॉकेट बना ये शेयर। वो दोस्तों जो रॉकेट बना था वो यही कंपनी बनी हुई है, या तो दोस्तों ये एक राइट इशू की वजह से बढ़ी है, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि भाई अदानी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से दोस्तों सुजलन एनर्जी का प्राइस इतना अच्छा खासा बढ़ा है। और इसी के साथ यहाँ पर आप और चीज़ें देख सकते हो दोस्तों, एग्रो प्रोडक्ट्स की ट्रेड की तरफ से आप लोगों को 19 अक्टूबर को बाइंग देखने के लिए मिली है, बहुत सारी बाइंग देखने के लिए मिली है 19 अक्टूबर के दिन, जिसकी वजह से शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा भी है। बाकी सेम डे आप देख सकते हो दोस्तों कितने करोड़ों और लाखों में यहाँ पर क्वान्टिटी बाई करी गई है बल्क में। और सेम 19 अक्टूबर के दिन दोस्तों 3-4 हमारे को सेलिंग ऑर्डर भी देखने के लिए मिला है, और इसे सेलिंग ऑर्डर नहीं कह सकते, इसे कहते हैं सेलिंग प्रेशर, क्योंकि सेम ही मात्रा में हमारे को भारी भारी लोगों की तरफ से, एग्रो ट्रेड सोल्यूशंस की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से सेलिंग ऑर्डर भी देखने के लिए मिला है। आई मीन आप कह सकते हो दोस्तों इन्होंने 1-2 दिन में एक न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बाई सेल कर रखा होगा, लेकिन ये मोटी मोटी क्वांटिटी का किया है। अब इन लोगों का दोस्तों 1-2 रुपया भी बढ़ गया होगा तो बहुत मोटा मार्जिन इन लोगों को मिल गया है। तो मेन तो दोस्तों ये जो वही हैं लोग जिन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग कर रखी है। बाकी आई शेयर्स वालों की हम बाइंग बहुत तरफ से देखने के लिए मिली है, और 17 से 19 अक्टूबर के दिन ही हमारे को ये कुछ बाइंग देखने के लिए मिली है। तो बस इन लोगों ने दोस्तों ट्रेडिंग करके इस चीज़ का फ़ायदा निकाल के ज़्यादातर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों सुजलन एनर्जी से रिलेटेड, क्या इसके अंदर ऐसी रैली बनी रहेगी, या फिर दोस्तों केवल एक राइट इशू की अप्लाई के चक्कर में शेयर इतना ज़्यादा अच्छा खासा बढ़ा है, या फिर वो जो रिसोर्सेज के थ्रू न्यूज़ निकल कर आई है सिर्फ उस वजह से बढ़ा है। तो आप लोगों का क्या कहना है ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना।